दोस्तों बजाज पल्सर F250 और N250 में क्या अंतर है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। ये जो बाइक है ये है N250 और ये जो बाइक है ये है F250। ये फेयरिंग वाली बाइक है और ये एक नेकेड बाइक है। लेकिन अगर आप पीछे से देखेंगे दोस्तों तो कोई भी अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। वही बैकलाइट, वही इंडिकेटर, वही टायर हगर और पीछे का मडगार्ड, ये सारी चीज़ें सेम हैं। थोड़ा सा नज़दीक मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो स्प्लिट सीट के साथ ये भी आती है, स्प्लिट ग्रैब रेल के साथ, और स्प्लिट ग्रैब और स्प्लिट सीट के साथ ये भी बाइक आती है। यहां पर F250 लिखा है क्योंकि ये फेयरिंग वाली बाइक है और यहां पर N250 लिखा है क्योंकि ये नेकेड बाइक है। दोस्तों साइड से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देखेंगे साइड से ये एक फेयरिंग वाली बाइक है तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी भारी लगेगी, और वो एक नेकेड बाइक है इसलिए थोड़ी सी आगे से उतना ज्यादा भारी नहीं लगेगी क्योंकि नेकेड में थोड़ा सा आगे नेकेड ज्यादा भारीपन नहीं होता है। और पल्सर यहां पर 3D में लिखा हुआ है, इसमें टैंक काउल लगा है और यहां पर आप देखेंगे पल्सर 3D में लिखा हुआ है लेकिन इसमें आगे फेयरिंग लगी हुई है। तो साइड से देखने पर थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा लेकिन फीचर्स में कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं आगे से दिखाना चाहूँगा और आप देखेंगे ये एक नेकेड बाइक है जो कि यहाँ पर LED DRL के साथ आती है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ आती है जिसका लुक काफ़ी खतरनाक और बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक बड़ी सी फेयरिंग के साथ आती है जिसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प और 2 DRL और LED इंडिकेटर मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मॉडल और डिज़ाइन में आपको अंतर दिखेगा लेकिन लाइट में आपको दोनों में ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल रहे हैं। आगे के दोनों ही 100mm के टायर मिलते हैं, 300mm की दोनों बाइकों में डिस्क ब्रेक मिलती है सिंगल चैनल ABS के साथ, और दोनों में ही 37mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिल जाता है। तो यहां पर कोई भी अंतर नहीं है। इंजन की बात मैं आपको बताना चाहूं दोस्तों तो 250cc का इंजन मिलता है जिसमें आपको स्लीपर क्लच मिलता है, DTSI टेक्नोलॉजी मिलती है, फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी इसमें आपको मिलती है, 24.5 PS की पावर मिलती है 8750 RPM पर इसमें भी, और 24.5 PS की पावर मिलती है 8750 RPM पर इसमें भी आपको मिलती है। तो दोनों बाइकों के इंजन में कोई भी अंतर नहीं है, 5 गियर के साथ दोनों ही बाइकें आती हैं, और साउंड में दोनों बाइकों के कोई भी अंतर नहीं है। मैं एक बार स्टार्ट कर दूं, दोनों बाइकों के साउंड में कोई भी अंतर नहीं दोस्तों, बिल्कुल एक ही जैसे साउंड हैं, सिर्फ इनके मॉडल और डिज़ाइन में अंतर दिया गया है। अगर हम प्राइस की बात करें तो मात्र 2000 रुपये का अंतर है, 1,38,000 रुपये एक शोरूम प्राइस में मिलती है और ये 1,40,000 रुपये एक शोरूम प्राइस में मिलती है। तो यहाँ पर कोई अंतर नहीं है, माइलेज दोनों की लगभग बराबर रहेगी, 35 से 40 की दोनों ही बाइकों में आपको माइलेज मिल जाएगी। तो मॉडल और डिज़ाइन में ही फ़र्क दिया गया है। अब आप लोग बताएँ कि आपको N250 का मॉडल ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर F250 का, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को आप सब्सक्राइब करके राहुल वर्सेज मिंटू बाइक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैंने सारी चीज़ें बता दी है, माइलेज 35 से 40 तक की दोनों ही बाइकों में मिल जाएगी। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।